केस स्टडी। कल एक बंदे से बंदे से मुलाकात हुई अमेरिका में। इज ए मल्टी मिलीनियर। मतलब देखिए, मल्टी मिलीनियर कुछ नहीं होता, पहले तो समझ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, डेका मिलीनियर या पेंटा मिलीनियर। मैं तो आपको डेका मिलीनियर बनने के लिए बना रहा हूँ, पेंटा मिलीनियर बनने की कोशिश कीजिए। पेंटा मिलीनियर बहुत होता है। जो पेंटा मिलीनियर होंगे ना, उसके ऊपर जो इनकम आ रही होगी, अगर आपने S&P में भी डाल दिया 8% के हिसाब से, आपको आ रहे होंगे ऑलमोस्ट $400,000। तो आपको पता नहीं, उनके पैर जमीन पे नहीं रहेंगे। याद रखना इस बात को, बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। स्ट्रेटेजीज मैं जरूर बताऊंगा कि जब आपको कि अपने 5 मिलियन सिक्योर कैसे करके रखने हैं, वो जरूर बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल मैं बात करने लगा एक बंदे से मिला हूँ मैं। ही इज अ डेका मिलियनर। 10 मिलियन की उनकी नेटवर्थ हो गई। मतलब उनके बहुत तगड़े तगड़े वेकेशन हाउसेस हैं और बहुत ज्यादा अच्छा पैसा बनाते हैं। प्रूवन इनकम्स हैं और काफी अच्छी मतलब लाइफ स्टाइल है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। आपको एक बात बताना चाहेंगे कि मैं एक फैक्टर आपके सामने रखूंगा, आपको समझ में आएगा कि मैंने उनसे एक दिन ऐसी उनसे ऐसी बातों से पूछ लिया कि यार, अपने बच्चों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की थी। बच्चों का भी तो पिक एंड ड्रॉप करना पड़ता है। अभी अपने ड्राइवर रखा था, क्या किया था? सिंपल आंसर, पेरेंट्स मेरे साथ रहते थे। इस कंट्री में जिसके पेरेंट्स उसके साथ रहते हैं ना, वो राजा है राजा अमेरिका के अंदर। क्योंकि सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को कैसे दें, बच्चों को कैसे कल्चर दें, बच्चों को कैसे टाइम दें। बच्चे टाइम मांग बच्चों को परवरिश में बहुत टाइम लगता है, तो वो सारा टाइम देना पड़ता है इनको। जब आपको ये चीजें नहीं लग करनी पड़ेंगी, आपके टाइम बच गया और उसी में आप ग्रो करते हो। ये आपके वो वाला टाइम पीरियड है जिसमें आप सबसे ज्यादा ग्रो भी करते हो। 30 to 40 में आप सबसे ज्यादा ग्रो करते हो लाइफ में। वो वाला टाइम आपका सारा जाया हो गया क्योंकि बच्चे पालने थे। ये कंट्री ने प्राय स्कीम बनाई है आपको टाइम वेस्ट करने की। सो यू नीड टू गेट आउट ऑफ दीज थिंग्स, दैट्स द रीजन मैं आपको टेल। एक तो सबसे अच्छी चीज, इजी इजी मेथड तो यही है कि आप पेरेंट्स को बुला लो बस। इसी तरह से पेरेंट्स से रहोगे तो लाइफ बहुत ज्यादा हेवन रहेगी। ये इंडिया वाली सिचुएशन नहीं है कि पेरेंट्स आपको सास बहू के इशू चल रहे हैं। कोई नहीं चलेगा किसी का इशू। बहू को भी पता रहेगा सास के बिना उसका काम चलता, सास भी यहाँ पे रह के सीधी रहेगी, उसको पता रहेगा मेरा बहू के बिना कोई काम नहीं चलना। सो एवरीबडी विल बी इन लाइन। ये आपका एक बहम है कि वो लाइन में नहीं रहेंगी। एवरीबडी विल बी इन लाइन। ये हो गया क्लियर? तो ये केस स्टडी से यही पता चलता है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूँ इस कंट्री के अंदर, जो आपको बड़ा स्पेशल बेनिफिट दे सकती है, वो ऑब्वियसली ग्रीन कार्ड है। जब तक आपका GCEAD है, जो GCEAD है, GCEAD क्या होता है ये ना, ग्रीन कार्ड से, ग्रीन कार्ड इज अ PR ऑफ अमेरिका। तो GCEAD एक इंटरमीडिएट स्टेज है जिसके अंदर आपको सारे राइट्स मिल जाते हैं ग्रीन कार्ड वाले, बट आपका ग्रीन कार्ड अभी तक हाथ में नहीं आता। तो GCEAD इज गुड इनफ। जब आपको GCEAD आ जाता है, यू कैन गो टू इंडिया एंड कम बैक विदाउट एनी वीजा एंड ऑल दैट स्टफ, एंड यू कैन वर्क फॉर एनी बडी एंड ऑल दैट स्टफ। सो GCEAD आने की वेट करनी होती है। तो GCEAD आते सारी यू आर फ्री फ्री प्रीटी मच। तो GCEAD मिल के पीछे भागो, ये बड़ी जल्दी आना बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। सुंदर पिचाई है, CEO बन गया गूगल का। अब आप कहते काबिल 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 नहीं, एक और भी बड़ी प्रॉब्लम उसने सॉल्व की किसी तरह से। मेरे को खुद नहीं पता उसने कैसे किया, ये सच में प्रॉब्लम सॉल्व है कि नहीं, बट 100% ये बंदा, इसका ग्रीन कार्ड जल्दी आया होगा। ये आप जाके पता कर लो। ये हो ही नहीं सकता एक बंदे का ग्रीन कार्ड टाइम से ना आए, टाइम से ना आए और वो कुछ कर जाए लाइफ में यहाँ पे स्पेशल। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि H1 और L1 ये स्लेव वीजाज हैं और F1 सिर्फ एक इल्यूशन है, बेवकूफी है, कोई वैल्यू नहीं इस डिग्री की, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है यहाँ पे, ग्रीन कार्ड। तो ग्रीन कार्ड जिसके पास है और जिसके पेरेंट्स उसके साथ है ना, वो बंदा यहाँ पे राजा है। ही कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ। एंड मैं इसी से तीसरी चीज के ऊपर भी आता हूँ, ज्वाइंट फैमिली। यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगा। मेरे बहुत ज्यादा बढ़िया लाइफ रहेगी, लाइफ की खुशी रहेगी। देखो वो जब मान लो तीन भाई हो, सारे इकट्ठे रह रहे हो, ठीक है ना मेरे, ठीक है ना। मैं आपको एक लिख के बात बता रहा हूँ कि तीनों को बाहर ऑर्गेनिक एक्सपोजर तो मिल रहा है ना। जितना मर्जी बाहर लड़ मर के आए, जितना मर्जी घर में परेशानी हो, तीनों के भाइयों में मन बुढ़ा भी हो जाए, उनको कहीं ना कहीं पता चलता रहेगा बाहर के लोगों को देख देख के कि इश्यूज उनके वो उनको ठीक करते रहेंगे। तीनों को वापस वापस मोड में डाल देंगे क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा कोल्डनेस है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। कोई टूली आपके साथ है नहीं, आप मतलब कि मतलब सवेरी दिखावे वाली फालतू की लाइफ है बिल्कुल वेन। तो दोस्त फ्रेंड्स आर नॉट योर, मतलब यहाँ पे नहीं बनेंगे वो क्लोज फ्रेंड्स। ना आपके रिश्तेदार हैं, ना आपकी मम्मी डैडी हैं, ना आपके बच्चे हैं,
कोई आपके साथ नहीं है, तो जब अगर ज्वाइंट फैमिली होगी तो सारी चीजें थोड़ी सी आपके साथ होंगी, आपके पेरेंट्स के साथ भी, आप पेरेंट्स आपके आ ही जाएंगे साथ में, बच्चे भी थोड़े से आपके साथ ज्यादा जेल करेंगे, आपको बड़ा बेनिफिट होगा इसका और आपको एक जेस्ट रहेगा लाइफ का, मजा रहेगा लाइफ का। तो ज्वाइंट फैमिली बहुत अच्छी चीज है जो 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 थोड़ी रेयर है, लेकिन अपने पेरेंट्स साथ होने और ग्रीन कार्ड ये सबसे बड़ी चीजें हैं। थैंक यू गाइस।